सो हेलो गाइज, फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। तो दोस्तों मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं सुभाष जीपीएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि शेयर चैट ऐप से पैसे अपने बैंक या यूपीआई में कैसे विड्रॉवल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ विड्रॉवल करके दिखाएंगे। तो मेक्सर के वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर दें। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर मेरे को अपना मोबाइल का यहाँ पर कैमरा को ओपन करना होगा, क्योंकि दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डर में शेयर चैट ऐप कैच नहीं होता है। तो चलिए मैं फटाफट ओपन कर लेते हैं। तो गाइस ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर जैसे कि इधर से मैं शेयर चैट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, तो सिंपल सा गाइस यहां पर मैंने शेयर चैट एप्लीकेशन पर टच कर दिए। तो गाइस यहां पर थोड़ा सा लोडिंग लगा, ठीक ना। तो गाइस यहां पर मैं फटाफट चलिए यहां पर लोडिंग लेने देते हैं, और लोडिंग लेने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों अभी मेरे को यहां पर अपडेट करने के लिए बता रहे, तो अभी मैं अपडेट नहीं करेंगे। तो सिंपल सा गाइस यहां पर आपको पैसे को विड्रॉ करने के लिए ऊपर साइड में आपको जो एक पैसे का आइकन दिखाई देता होगा, ठीक ना, इस पर, ठीक ना। तो सिंपल सा इस रुपए के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों आपके सामने से इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों आप जैसे कि देखते हैं आपको एक रिवार्डर का ऑप्शन जो मिल रहा है ऊपर साइड में, ठीक ना, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, आपको रिवार्डर वाला ऑप्शन पर आपको आ जाना है, ठीक ना। रिवार्डर वाला ऑप्शन पर आ जाइएगा, यहाँ पर आपका टोटल बैलेंस शो करेगा। तो दोस्तों सिंपल से अपना पैसे को रिडीम करने से पहले मैं बता दूँ थोड़ा सा इसमें आपको अर्निंग कैसे करना है। तो दोस्तों अर्निंग का प्रोसेस में दोस्तों रेफर एंड अर्न का, ठीक ना, आप जितना रेफर कीजिएगा दोस्तों आपको हर एक रेफर पर आपको एक स्क्रेच कार्ड दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ भी अमाउंट मिल सकता है। जैसे कि देखते हैं मेरे को माफ करें, आपका मित्र ने शेयर चैट आपका उपयोग नहीं रखा, ठीक ना। तो दोस्तों इसीलिए मेरे को इसमें कुछ पैसा नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों मेरे फ्रेंड ने शेयर चैट ऐप को यूज नहीं किया, ठीक ना। तो चलिए मैं फटाफट इसे कट कर देते हैं। और कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे कि शेयर चैट एप्लीकेशन में मेरे को काफी ज्यादा इसमें मेरे को काफी बार मेरे को अमाउंट भी मिला है, जैसे कि देख सकते हैं काफी बार यहाँ पर मेरे को माफ कर बताया है, और काफी बार मेरे को यहाँ पर जैसे कि नीचे साइड में आपको दिखाते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके, और यहाँ पर मेरे को काफी ज्यादा मेरे को अमाउंट भी मिला है, ₹15 करके, ठीक ना। तो चलिए इस पैसे को विड्रॉ करने के लिए सिंपल से यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आपको ऊपर साइड में आपको जो ऑप्शन एक मिल रहा है दोस्तों, वहाँ पर कैश रिडीम करें, ठीक ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपके सामने इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे साइड में यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं पहले आपको बैंक अकाउंट को आपको जोड़ने का ऑप्शन आएगा, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना बैंक अकाउंट को ऐड कर लिया, इसलिए मैंने आप लोग के सामने मतलब ब्लर करके रखा है। तो सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर मैं यूपीआई को ऐड करके दिखाएँ, ठीक ना। अपना यूपीआई के ऑप्शन पर जैसे क्लिक कीजिएगा नीचे साइड में दूसरे नंबर पर, इस पर तो आपके सामने दो ऑप्शन ऊपर साइड में आ जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों अभी दो ऑप्शन आ जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं पर यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी को डाले, ठीक ना। यूपीआई आईडी को देकर के सिंपल से आपको नीचे साइड में सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए जैसे कि देख सकते हैं दूसरे नंबर पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर का फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि दोस्तों पहले नंबर में अपना अकाउंट होल्डर नंबर मतलब नेम देना है, जिसके नाम से खाता है उसका देना है, उसके बाद अकाउंट नंबर देना है, उसी नंबर को दोबारा टाइप करना है, उसके बाद आईएफएससी कोड देकर के सिंपल से बैंक अकाउंट जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हालांकि मैंने यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को जोड़ लिए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिंपल से यहाँ पर आ जाते हैं विड्रॉ करने के ऑप्शन पर, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना जो अमाउंट है ₹32 उसको यहाँ पर मैं फिलअप कर देते हैं, उसके बाद कैश रिडीम के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं कैश निकालने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन गाइस ये पैसा मेरे को इंस्टेंट मेरे को मिल चुका है। तो दोस्तों पिछले लेन देन में जाकर के एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो यहाँ पर बता रहा है कि दोस्तों लेन देन यहाँ पर पूरा हुआ, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर मैं फटाफट आपके सामने अपना पेटीएम को ओपन कर लेते हैं और पेटीएम पेमेंट बैंक को दिखा देते हैं, ठीक ना। तो सिंपल से अगर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना पेटीएम को ओपन कर लिया, ठीक ना। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बैलेंस एंड हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जैसे कि देखते हैं आपके सामने यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जैसे कि देखते हैं दोस्तों यहाँ पर मेरे को ₹32 इंस्टेंट के इंस्टेंट मेरे को कैशबैक मिल चुका है। और गाइस ऊपर साइड में जैसे कि देखते हैं शेयर चैट फंड ट्रांसफर, और दोस्तों रोज पे यहाँ पर जैसे कि कंपनी मतलब जैसे कि देखते हैं दोस्तों कंपनी साइड की तरफ से मेरे को मिल चुका है मतलब ₹32 इंस्टेंट के इंस्टेंट। तो दोस्तों इस तरह से पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद है, दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल